So hey guys, welcome back to my new brand video. In this video I talk about how to edit like a pro. तो पहले आप प्रीव्यू को देख लीजिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक क्लिप में लाभ ओवरले पिंजू को ऐड किया, जो कि अभी के टाइम में एक एफ पर रडार एडिट अपना वीडियो में यूज करता ही करता है। सो इसके लिए आपको कैपकट के अंदर अपना वीडियो को ओपन कर लेना है। कैपकट के अंदर वीडियो को ओपन करने के बाद आपको उस क्लिप में जाना है जिसमें आप लाभ ओवरले पिंजू को ऐड करना चाहते हो। सो मैं इस क्लिप में ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए इसके ऊपर आपको जाना है एंड इसको आपको ईजिली कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आपको ओवरले कर लेना है एंड उसके बाद इसको आपको उसका उस वीडियो का नीचे इसको लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऊपर जाना है एंड इसको आपको रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको चला जाना है ऐड ओवरले पर एंड जो लाभ ओवरले पीएनजी होगा उसको आपको ऐड कर लेना है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सो ए रे मेरा लाभ ओवरले पीएनजी, तो इसको आपको कर लेना है। सो इसको आपको पहले स्पाइलिस में जाना है, पहले काट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको आपको स्पाइलिस में जाना है एंड फिल्टर में जाना है एंड उसके बाद इसको आपको अपना बाइक के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया मेरा एडजस्ट एंड उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको राइट साइड में जाना है एंड लेयर पे जाना है एंड इसको आपको ऑन पर कर देना है। अब जैसे इसको ऑन पर करेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसको पीछे वो चला जाएंगे ईजिली, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट में चला जाना है एंड जाने के बाद इसको आपको राउंडिंग घुमाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊपर में एक छोटा सा देखो प्लस आइकन है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं की फ्रेम, उसको यूज़ करके हम इसको राउंड घुमाएंगे, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको लास्ट में चला आना है एंड आपको यहाँ पर नीचे जो रोटेट देख रहे हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक बार दो बार क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जब भी 180 डिग्री लिखा होगा ऊपर में तो अब तभी इसको आपको छोड़ देना है। सो आप देखो सो मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। सो आपको भी इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है बीट सैनिक। सो बीट सैनिक में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो वीडियो टट्टी जैसा लगेगा यार। तो इसको आपको ऐड कर लेना है। सो आप देख लो मैं किस तरीके से बीट सैनिक को ऐड किया हूँ इस वीडियो में। सो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे बीट सैनिक एंड उसके बाद आता है ग्लो इफेक्ट, जिसके लिए आप मेरे इस वीडियो में क्लिक किए हो या आए हो। तो इसके लिए चाहिए वो अलर्ट मोशन एप्लीकेशन। सो इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अलर्ट मोशन में जाने के बाद आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड उसके बाद आपको एक्सेल फाइल देखने को मिल जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। बट उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वीडियो का लास्ट में बताऊँगा कि पासवर्ड कहाँ पर है। तो आपको उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको आपने अभी कैपकट के अंदर सेव किया था। ए रही मेरा वो वीडियो एंड उसके बाद आपको राइट साइड में क्लिक करके बीच में से आपको कार करते जाना है एंड उसके बाद आपको जितना भी इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा वो नीचे है, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो। सो आपको अभी क्या करना है, मैंने तो पूरा ऐड नहीं किया, आपको पूरा ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहीं पर जितना भी सीसी इफेक्ट रहेगा उसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आई का ऑप्शन उसको आपको इनेबल कर देना है। सो उसके बाद इसको आपको एक एक करके ऊपर में ले जाना है जितना भी क्लिप्स रहेगा उसके ऊपर एंड आपको एक बार ध्यान देना है कि इसको आपको लाइन बाय लाइन रखना है, मतलब एक की जगह दो एंड उसके बाद तीन, उसके बाद चार, ऐसे करके। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हो इस वाला सीसी इफेक्ट में कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। सो इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है यार। तो इसका जो एक्सएमएल फाइल है उसको आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, यानी कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको जो एक्सएमएल है वो इजीली सेंड कर दूंगा। आई होप कि गाइस आपको एडिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आया होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे बता देना कि भाई मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।